हेलो गाइस, मैं सुनीता प्रजापति आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक नया हेलो गाइस, मैं सुनीता प्रजापति आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक। इतना बढ़िया कि वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कैसे करते हैं अगर आप लगाने वाले हैं तरबूज घर में आराम से बिल्कुल और एकदम फ्री में। और इस वीडियो के लिए लाइक तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन अभी लाइक मत कीजिए, मेरी मेहनत को देखकर तब लाइक कीजिए। तो चलिए, तरबूज की बेल घर में लगाने के लिए उसकी सपोर्ट कैसे करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, फटाक से चलिए। तो चलिए, आज हम बनाते हैं कि तरबूज की बेल है दो गट्टों में, देख सकते हैं आप। और तरबूज की बेलों पर हमारे तरबूज का फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गया है और तरबूज लगना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर छोटे छोटे नज़र आ जाएंगे, अभी दिख नहीं रहे हैं लेकिन यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। तो इन्हें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं सपोर्ट कैसे बनाऊँगी, बने रहिए वीडियो में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, जो कि आप बिना खेत के छोटे से गट्टे में मिट्टी भर के भी तरबूज जैसे आप खाते हैं और उसमें से निकलते हैं ना तरबूज के सीड्स, जो आप खाते हैं मार्केट से लाके तरबूज को, बाज़ार से लाके उसी तरबूज को आपको इस तरह से बीज निकाल के उसमें से लगा देना है एक गट्टे में मिट्टी भर के। और उसकी सपोर्ट आपको कैसे देनी है मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास खरबूजे और भी लग रहे हैं, ये देखिए, थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये है कद्दू और देखिए ये है हमारे खरबूजे लग रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए, ये हमारे दो गट्टे हैं, एक ये है और एक ये है। इसमें हम सपोर्ट कैसे देंगे अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, इसके साइड में हमने एक गट्टा ये है और एक गट्टा हमारा ये है। तो इसके साइड में हम लेवल से मिला के इतनी दूर पे हम रख लेंगे दो गमले, जो कि इतनी दूरी पे रखना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ी सी दूर भी कर सकते हैं, इन्हें थोड़ा सा दूर और करना चाहिए, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे सपोर्ट देनी है। एक साइज के हमने देखे बांस ले लिए हैं, ये एक साइज के बांस हैं, चार ले लिए हैं हमने। अब पहले बांस को हम यहां पर गाड़ देंगे। जो कि इस तरह से दूसरे को हम इस गमले में गाड़ेंगे।
देखिए हमने कुछ इस प्रकार से गाड़ दिए हैं। ये मैंने पहले ही सपोर्ट के लिए रखी हुई है, यहाँ पे ये नहीं गाड़ी है मैंने। अब फिलहाल मैंने एक ये लगाया है इस गमले के अंदर, जो कि ग्रो बैग मैंने बना के रखा है पल्ली से ही, और एक इसके अंदर और दोनों उनके अंदर। अब सपोर्ट के लिए सोचना है कि हमें क्या करना है, तो चलिए देखते हैं। इन्हीं बांसों से हम सपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे तरबूज की बेल इनके ऊपर चल सके। देखिए ये तरबूज की बेल को कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए, ऐसे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ ऐसे रख दिए हैं। अब इन्हें बांधना ज़रूरी है, तो चलिए मैं रस्सी से इन्हें बांध देती हूँ। पल्ले कोने पे बांधना है उधर और वहाँ पर, और जैसे यहाँ से बांधना है वैसे ही यहाँ से बांधना है। वहाँ पर मैंने देखिए खोल दिया है गेट, और ये मैंने बनाई है तरबूज की बेल के लिए सपोर्ट। अब ये सपोर्ट मैंने कैसे बनाई है आपको मैं बताती हूँ सारी डिटेल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊंची भी सपोर्ट आपको नहीं बनानी है, लेकिन मेरे पास इसका पहले से ही एस्टिमेट था, तो यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट ऊपर बना दी है। देख सकते हैं यहाँ से लेके, ये बंदरों के लिए जाली लगाई थी, ज़्यादा नहीं 1500 रुपये की जाली आई थी, कोई बात नहीं, और जाली और तार लगाए थे। तो एक सपोर्ट तो मेरी ऊपर हो गई है, देख सकते हैं आप। देखिए ये मैंने रस्सियों की मदद से और एक एक फांसा लगा के यहाँ पे मैंने, और देखिए 2 किलो का मैंने यहाँ से एक निकाल लिया है, और एक मैंने कल निकाला था जो कि लौकी अपना घिया, और बहुत ही अच्छी वैरायटी है, एकदम हलवा सा हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट घिया है इसका बेल का। और यहाँ पे देख सकते हैं कि करेले भी हमारे लगने स्टार्ट हो गए हैं, और ये देखिए ये बेल हमारी पल्ली साइड को जाएगी तो हमें इसका करेला नहीं मिलेगा, इसलिए हम इस बेल को अंदर को ही ले लेंगे। ठीक है, अब ये बेल यहीं पर रुक जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं, अब बात कर लेते हैं कि तरबूज की बेल हमें अच्छे से तरबूज देगी। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसका सबूत, सबूत दिखाऊं मैं आपको, तो चलिए सबूत देखने के लिए इसका। तो मैं सपोर्ट मैंने कैसे की है ये बाद में दिखाने वाली हूँ, अभी दिखाऊंगी, बस बने रहिए। खरबूजे देखो हमारे कितने लग रहे हैं, देख सकते हैं छोटे छोटे खरबूजे हमारे काफ़ी सारे लग रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहले कि खरबूजा हमारा काफ़ी लग रहा है, नीचे भी हमारे बेल पर खरबूजे लग रहे हैं। और लेकिन आपको सबसे पहले मोटे मोटे खरबूजे दिखा देती हूँ, ये देखिए मोटे मोटे खरबूजे भी हमारे 2 से 3 लग रहे हैं, और छोटे छोटे भी काफ़ी सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तरबूज की बेल को, दो बेल को तो मैंने इस तरह की सपोर्ट दी है, और ये तरबूज अपने तरबूज को आराम से निकाल सकते हैं, मतलब आराम से इन्हें सपोर्ट मिल रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं, अब ये तो मेरी क्यारी है, तो क्यारी में तो अपने आप ही सपोर्ट मिल रही है, तरबूज की बेल अपने आप चल रही है। यहाँ पर बात कर लेते हैं तो ये हल्दी है, और हल्दी हमारी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा ये ऊपर से पत्ता हमारा सूख गया है, तो इसे निकाड़ना यानी हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी तरबूज की बेल देखिए हटाए से भी नहीं हट रही है, तो आप समझ सकते हैं। देखिए जो ये होती है ना, तो रूट्स जो निकलती हैं यहाँ से चूड़ी वगैरह सी, तो इन चूड़ियों से ये तरबूज की बेल सख्त हो जाती है। तो ये अपने आप ही जब इतनी हार्ड तरीके से पकड़ रखी है इसने जाली को, तो ये देखिए जाली भी बहुत हार्ड है, और यहाँ पर तरबूज अपने बोझ को यानी अपने वेट को अपने वजन को यहाँ पे टांग लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये हमारी बेल चल रही है नीचे को, और ये अच्छे से ग्रो हो रही है। यहाँ पे मैंने दूसरी भी पहले ही बीज लगा दिए थे, अभी बीज लगाए थे और जमी आए हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए खरबूजे भी हमारे काफ़ी लग रहे हैं, ये देख सकते हैं छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे देख नज़र आ। तो यहाँ पे इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है कि अभी मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ, और आप बने रहिए, देख सकते हैं आप
छोटे छोटे खरबूजे हमारे काफ़ी आ रहे हैं, और ये खरबूजे की बेल हमारी ऊपर को चल रही थी लेकिन ये नीचे को चलनी स्टार्ट हो गई थी, गिर गई थी, और अब इसे मैं यहाँ पर फिर से लगा देती हूँ। देखिए खरबूजे और तरबूज भी हम बहुत ही आराम से इस तरह से उगा सकते हैं। देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये हमारे जो कद्दू है, बिलिया आप मान सकते हैं, तो ये बिलिया हमारी यहाँ पर लग रही है, और पहले इस पे परछावा पड़ गया था तो 10-12 बिलिया हमारी सूख के गिर गई थी, लेकिन हमारी सब्जी अपने ही गार्डन से उगती रहती है और आती रहती है। अभी मैं आपको बहुत सारी सब्जियाँ दिखाने वाली हूँ, पहले आपको मैं दिखा देती हूँ कि देखिए मैंने ये सपोर्ट ऐसे बनाई है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिट्टी हार्ड करी ऐसे करके, और देखिए इस तरह से ऐसे करके, और यहाँ पे मैंने बांस गाड़ दिया है, और देखो ये बांस हिल भी नहीं रहा है ज़्यादा। अगर हम तकड़े हाथ से हिलाएंगे तो वो तो हिलेगा ही, लेकिन हल्के हाथ से ये हिल भी नहीं रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने इसे बांध दिया है इस तरह से, और फिर एक बांस, चार बांस लिए हैं मैंने, चार देख सकते हैं सपोर्ट के लिए, एक यहाँ पर है और एक देखिए वहाँ पर है, और एक देखिए वहाँ पर है उस गट्टे में, जैसे कि इस गट्टे में है। मैं आपको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आराम से समझा रही हूँ, दिखा रही हूँ यहाँ पर बहुत ही अच्छे से। और देखो हमारी केली का भी फूल खिलना स्टार्ट हो गया है, और देखिए रात में लाइट बाल के चली गई थी क्योंकि कल अमावस्या की रात थी, अमावस्या की रात काली होती है, चंदा जो चंद्रमा होते हैं हमारे रत्ती भर भी नहीं निकलते हैं, तो इसलिए काली रात बिल्कुल घनघोर रात होती है, इसलिए लाइट बाल के मैं अपने गार्डन में चली गई थी ताकि कुछ और प्रभाव, बुरी आत्मा का प्रभाव मेरे गार्डन में ना हो, क्योंकि मेरे गार्डन में खरबूजे और तरबूज भी लग रहे हैं गाइस। और यहाँ पर मैंने कोई अभी तक इस पर स्प्रे नहीं की है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जेड प्लांट को देख के तो ऐसा मन करता है कि खा लूँ, इसे खाने का मन करता है सच में। बहुत सुंदर जेड प्लांट हमारा बहुत ही सुंदर होता है, हो रहा है, और ये होता भी नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से सुंदर ही है, और मैंने 10 से 12 बना रखे हैं। खैर कोई नहीं, तो यहाँ पर मैंने देखे पहले चार बांस गाड़े मैंने आपको नीचे से दिखा दिया है, ये दो गट्टे हैं और वो दो प्लास्टिक के गमले हैं, दो बांस मैंने प्लास्टिक के गमले में गाड़े, एक वहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है, और एक मैंने फिर उसके बाद में एक बांस में से दो बांस करे मैंने रात, काफ़ी समय हो गया था, तो मैं अब सुबह के समय दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए एक बांस में से दो करे, एक यहाँ पे बांध दिया है, और एक डंडा ऐसे रख के, ये बांस का मेरे पास बांस पड़े थे, और ये बांस 20 रुपए के बहुत लंबे आते हैं, तो ये सारे बांस आप मान सकते हैं कि 40 रुपए के भी बांस है ये, क्योंकि बहुत लंबे लंबे बांस आते हैं, 20-20 फुटे, 10-10 फुटे, 15-15 फुटे, 20 रुपए में आराम से मिल जाता है ऐसा बेकार वाला बांस, जो कि आपकी सब्जियों की सपोर्ट के लिए। अब एक मैंने यहाँ पर रख दिया है आधा बांस टूटा हुआ, ये देख सकते हैं ऐसे बांध के, और फिर ऐसे मैंने बांध रखा है। अब आप खुद ही देख लीजिए, जो कि मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आप। एक बार मैं आपको बहुत ज़्यादा दूर से दिखा रही हूँ, और ये बहुत अच्छी मैंने सपोर्ट बना दी है, और ये जो गमले हैं इन गमलों में भी तरबूज और खरबूजा मेरा उग जाएगा, जैसे ही उगेगा तो इनकी भी सपोर्ट मैं इसी पे ही चढ़ा दूंगी बेल को। और देखिए मैंने बेल भी ये चढ़ाई है, यहाँ पर दिखा सकती हूँ मैं आपको, आप देख सकते हैं, देखिए देखिए यहाँ पर, और साथ में ही फिर बराबर में एक गट्टे में मैंने ये जो मकान बनते हैं और उन पे फुट्टी होती है वाइट कलर की दीवार फुट्टी, तो वही दीवार फुट्टी के गट्टे होते हैं, उन्हीं में मैंने ये तरबूज की भी बेल को लगाया है, और घिया तोरी की भी लगा रखी हैं, ये देख सकते हैं ये घिया तोरी की बेल सब मैंने बहुत सारी, और नीचे तो दूसरी छत पे लाइन ही लगा रखी है, वहाँ पर तो लाइन से मेरे पास बेल उग रही हैं गाइस, लाइन से एकदम। और ये जो बेल है अभी मैंने थोड़ी सी नीचे को छोड़ रखी है, एक ही बेल में से देख सकते हैं, एक बेल में से ही ये
देखिए कम से कम 10 से 20 हो रही हैं, 20-25 बेल एक में से ही हो जाती हैं ये, और 20-25 ही नहीं, जैसे कि ये बढ़ती चली जाती हैं इनमें से रूट्स, देखिए इस तरह से निकलती चली जाती हैं, और इन रूट्स में से ही निकलते हैं हमारे तरबूज और घिया, जो भी निकलेगा इनमें से ही निकलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, और ये एक तरफ को भाग रही है, तो इसे हम कर देते हैं इस साइड को, देखिए इस साइड को यहाँ पर, तो ये अब वहीं को चलेगी ऊपर को, और इस साइड से हमारी ऊपर की सपोर्ट पे चली जाएगी करेले की बेल, और फिर उसके बाद में यहाँ पे तोरी की बेल हो रही है, तो ये तोरी की बेल भी वहीं पर चली जाएगी। इसे ऊपर चढ़ाऊंगी मैं, अभी सपोर्ट देने वाली हूँ मैं इसे तोरी की बेल को। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने अच्छे से हमारी सपोर्ट भी हो रही है और बेल भी हमारी चल रही है। तोरी की बेल ने रूट्स अलग अलग निकाल ली हैं अपनी, तो यहाँ पर थोड़ा सा लग जाती हैं, इन्हें थोड़ा हटा दूंगी इस प्रकार से, तो ये थोड़ी सही हो जाएंगी। और देखो पल्ली साइड को भी ये जा रही है, कोई नहीं ये हमें करनी पड़ेंगी, अगर इधर उधर को हो जाती है बेल को तो हाथ से कर सकते हैं अपनी साइड को, और अपने हाथ से जिधर को आप बेल को चलाते हैं ना गाइस, उधर को ही चल जाती है। तो जब ये बेल थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, जब मैं इसे थोड़ी सी रस्सी की सपोर्ट देके, देखिए मैंने रस्सी की सपोर्ट देके इस तरह से ऊपर को लगा रखी है, और ये बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएंगी, अगर हवा भी चलेगी तो ये यहीं पर रहेंगी गाइस। अब ये मैंने इस तरह से कर दी है और यहीं पर चलेंगी ये बेल, ये कहीं नहीं जाएंगी, तो अपनी रूट्स ये यहीं पर पकड़ती रहेंगी जो इनकी चूड़ियाँ वगैरह होती हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये इस मेहनत के लिए आपको कैसा लगा मेरी ये मेहनत देख के, और इस मेहनत के लिए आप मुझे एक लाइक देंगे या नहीं देंगे, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी मेरी ये मेहनत तो आप मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों, पर प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर कर सकते हैं ना, और व्हाट्सएप पे शेयर तो ज़रूर कर सकते हैं प्लीज़। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि सभी को आप मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर, आपके भी फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे अगर मेरी वीडियो को फेसबुक पे आप और इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे, तो गाइस आपके भी फॉलोवर्स बढ़ेंगे, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं इस तरह के कंटेंट लेके आती रहती हूँ, क्योंकि मैं कई साल से ये सब करती रहती हूँ, हर जगह आपको फल और फूल और सब्जियों की मेरे गार्डन में ढेर दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली सब्जी मैं इस क्यारी से ही मैं कम से कम 400-500 रुपए की सब्जी निकाल चुकी हूँ, क्योंकि कई बार मैंने वहाँ से लेके वहाँ तक दो तरह की मेथी और पालक भी निकाल लिया है, और फिर दोबारा से भी मैंने यहाँ पर मेथी बोई थी वो भी निकाल ली है, और फिर अब दोबारा भी मैंने यहाँ पे पालक लगा दिया है, और ये बेल पहले भी यहाँ पे हुआ करती थी ये भी निकाली थी मैंने, और अब फिर से दोबारा से सर्दी ख़त्म होने के बाद गर्मी में ये चौमासे के लिए तैयार हो गई है देख सकते हैं, और यहाँ से लेके वहाँ तक ये बेल हमारी दोनों साइड में तैयार हो रही है, और मैंने यहाँ पे टिंडे के बीज भी बोए हैं, अभी टिंडे के बीज जमे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे गोभी भी हो रही है मेरी गर्मी के मौसम में, गोभी देखो कितनी अच्छी हो रही है, ये फूल गोभी है, और फूल गोभी मैं अभी और भी लगा सकती हूँ, जब मैं लगाऊंगी आपको ज़रूर दिखाऊंगी, आप बने रहना मेरे चैनल पे, अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे देखिए ये है मेरी भिलिया की बेल, जो कि भिलिया और चकई होती है वही है ये, तो और भी मैंने बीज यहाँ पर लगा दिए हैं घिया तोरी भिलिया टिंडे के, और यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारी हमारी टमाटर की पौध काफ़ी सारी हो रही है, और टमाटर मेरे पहले ही जो यहाँ पे भर रहे थे और भी गमलों में भर रहे थे, वो मैंने देखे इधर भर रहे थे, बहुत ज़्यादा भर भर के आ रहे थे, वो फ्रिज में भी रखे हैं और यहाँ पर भी पक रहे हैं देख सकते हैं, और इतने ये ख़त्म होंगे मेरे फ्रिज के टमाटर और ये पेड़ के, इतने ही बस हमारे
ये भी पौध तैयार हो रही है और इस पर भी 8 दिन के अंदर अंदर टमाटर लगने स्टार्ट हो जाएंगे। 15 दिन के अंदर मुझे फिर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 4 से 5 दिन या फिर 8 दिन मुझे टमाटर नहीं मिलेंगे अपने ऑर्गेनिक अपने गार्डन के, लेकिन फिर उसके बाद मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए खरबूजे की बेल कितनी सारी जम रही हैं अपने आप ही, और ये वैरायटी खरबूजे की हमारी बहुत अच्छी है, ये देख सकते हैं इस पे खरबूजा लगना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर भिंडी, भिंडी को ज़रूर देखना भिंडी, क्योंकि मैं तीसरे दिन लिकाड़ती रहती हूँ अपने गार्डन से। और यहाँ पे ये बात है कि यहाँ पे भिंडी की मैं आपको बता दूँ बात कि ये एकदम हाइब्रिड है और ये बहुत सारी भिंडी लगती हैं, देख सकते हैं, और बिना कोई स्प्रे के, कोई स्प्रे मैंने अभी तक नहीं की है। और एक भिंडी के पेड़ से ही देखिए, इसीलिए तो ये देखिए सूख रही हैं, क्योंकि फल फूल की स्प्रे मैंने आज तक नहीं की है। यहाँ पे देखिए इसीलिए सूख रही हैं ये, और कोई बात नहीं फिर भी अपने गार्डन से मुझे भिंडी काफ़ी सारी मिलती रहती है। देखिए एक पेड़ है और 3 रूट्स हैं, तीनों रूट्स पे देखिए 2 भिंडी यहाँ पर हमारी लग रही हैं, ये देख सकते हैं, और यहाँ पर भी हमारी 3 लग रही हैं और यहाँ पर भी 1 लग रही है। और पहले भी देख सकते हैं कि मैंने भिंडी की हार्वेस्टिंग 2 बार कर ली है और ये भिंडी भी हमारी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। तो ये देखिए इस भिंडी का हमारी का बीज पक गया है, इसे हम निकाल लेंगे भिंडी के बीज को। ये हमारी भिंडी पक गई है, मैंने छोड़ दी थी और ये बंदरों ने निकाल ली थी भिंडी। तो यहाँ पर हमारी भिंडी भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है एकदम, और जब तक ये भिंडी हमारी ख़त्म नहीं होंगी तब तक उससे पहले ही मैंने देखे, ताकि मेरे किचन के लिए गार्डन में सब्जी ना ख़त्म हो, भिंडी हमारी चलती रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे भी लगा दिया था भिंडियों के बीज को। कुछ जम रहे हैं और कुछ अभी नहीं जमे हैं, वो भी जम जाएंगे। थोड़ी सी मिट्टी में पानी होना चाहिए और थोड़ी सी नमी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख आपको दिखा सकते हैं कि 2 बीज लगाने बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पर मैंने 2 लगाए थे तो एक नहीं जमा है, तो एक तो जम गया है इस तरह से। और देखिए यहाँ पर मैंने जब लगाए थे उसी दिन मैंने इसमें लगाए थे, इसमें अभी नहीं जमे हैं, और उसी दिन इसमें लगाए थे, इसमें जम गए हैं दोनों बीज। ये तरबूज है और ये हमारी चकई है, और ये इसमें भी मैंने लगाए थे, इसमें भी नहीं जमे हैं। मुझे लगता है मिट्टी हार्ड है तो पानी डालने की इसमें ज़रूरत है। यहाँ पर तोरी की बेल हमारी अच्छी चल रही है और ये देख सकते हैं, ये है फिर हमारी तोरी की बेल। तोरी की बेल मैंने 25 से 30 लगा के रखी हैं, 25-30 तोरी की बेल मेरी हो रही हैं नीचे वाली छत पे, और जो कि मैं आपको अभी दिखा सकती हूँ। ये देखिए थोड़ी सी निगाह घुमाइए आप, वहाँ पर बहुत सारी बाल्टियाँ उल्ली साइड में, मतलब गट्टे हैं और 2 बाल्टी टूटी हुई हैं, इन गट्टों में और 2 बाल्टियों में सब में तोरी और घिया और चकई की बेल हैं। और यहाँ पे देखिए टमाटर हमारा यहाँ पे भी आना स्टार्ट हो गया है, ये मैंने छांव में रखा था और बहुत ही अच्छी टमाटर की ये ग्रोथ चल रही है। तो हरी भरी अपने छत को रखें आप बिल्कुल एकदम फ्री में, कम समय में और कम सामान में मैं रेसिपी इसीलिए बना के लेके आती हूँ, जो कि अपने गार्डन से ही उगाती हूँ और वो टेस्टी बहुत होती है, क्योंकि कोई स्प्रे नहीं, कोई खाद वगैरह अलग से नहीं, बस क्या होता है मिट्टी होती है और गौसों का जो भुरादा होता है आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। देखो इनके साथ ही मैंने यहाँ पे बोए थे, यहाँ पे नहीं उगे हैं अभी, और इसमें दोबारा मैंने बो दिए हैं, अभी देखती हूँ उगेंगे या नहीं। यहाँ पर ये तो घास सी है और ये हमारी तोरी की बेल है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमारी मूली कितनी अच्छी बन रही है, और देख सकते हैं कि मूली हमारी काफ़ी अच्छी बन रही है। ये देखिए कितनी मोटी मोटी मूली हमारी हो गई है यहाँ पे, और मूली का बीज मैंने अपने गार्डन से ही उगा के रखा है। मूली को आप पराठा भी बना सकते हैं और मूली का आप अचार भी बना सकते हैं। और देखिए हरी मिर्च भी हमारी लगनी स्टार्ट हो गई हैं, गमले में हरी मिर्च घर में लगा सकते हैं, लेकिन धरती में आप नीचे ज़मीन में मत लगाइए, ऐसा ही बोला जाता है। और देखिए फ्लावर्स हमारे पेड़ पे कितना अच्छा आ रहा है,
ये देख सकते हैं कि फ्लावर्स कितना अच्छा आ रहा है। देखिए अब मैं और दिखा देती हूँ आपको कि यहाँ पे बैंगन हमारे यहाँ पर भी कितने अच्छे आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, एक बैंगन में से तीन तीन मुंह के बैंगन हो रहे हैं और ये बड़ा साइज है बैंगन का और ये बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। पूरे पेड़ पे बैंगन हमारा बनना स्टार्ट हो रहा है, पूरे पेड़ पर बैंगन हमारे आ रहे हैं। यहाँ पर भी बैंगन बन रहे हैं और भी मेरे पास कई पेड़ हैं बैंगन के, जो कि अपने गार्डन में कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने छोटे छोटे जो टमाटर की पौध लगाई थी, जो मैंने ढक के रखी थी, वो तो देखो हो रही है और इसे मैं ढक के ही रखूँगी। अब यहाँ पे देखिए, ये ढक के नहीं रखी थी तो ये भी टमाटर के पौधा मर गया है, और भी जो मैंने लगाए थे टमाटर के पौधे वो सब मर गए हैं। तो इससे तो हमें ढक के ही रखना चाहिए था, क्योंकि गर्मी बहुत तकड़ी है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है छत पे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लावर्स कितना अच्छा आ रहा है, और कोई भी सब्ज़ी में मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ अलग से कुछ। यहाँ पे भी बैंगन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं लगने, और इससे मैंने परसों निकाले थे 12-13 बैंगन निकाले थे मैंने, देख सकते हैं इस पेड़ से ही 12-13 बैंगन मैंने निकाले थे। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी थी, क्योंकि ऑर्गेनिक है, और दूसरी बात एकदम फ्रेश उगाते हैं, फ्रेश खाते हैं, फ्रेश बनाते हैं ना, ताज़ी ताज़ी तोड़ के, तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। कल यहाँ पे पानी नहीं डाला था तो ये तरबूज की बेल सूख गई थी, रात मैंने पानी डाला था कल, और थोड़ा थोड़ा पानी अब भी डालना चाहिए। गेंदा हमारा बहुत अच्छा हो रहा है, और हमारे गेंडोले के भी कई सारे पौधे उग रहे हैं, गेंडोले पे बहुत अच्छा फ्लावर्स आता है। इनमें मैंने कल पानी नहीं डाला था, बहुत अच्छी फुलवाड़ी है ये, ये बहुत अच्छी फुलवाड़ी है, सारी बहुत अच्छी लग रही है, और ये भी बहुत अच्छी फुलवाड़ी है। इस पर फ्लावर्स काफ़ी सारा आता है, इस कलर का फ्लावर्स आता है और एकदम येलो कलर का। और ये जेड प्लांट की एक मैंने कलम यहाँ पे भी लगा दी थी, तो इसमें पानी की कमी है, क्योंकि पानी लीकेज हो जाता है इसीलिए। यहाँ पे प्याज मैं निकालने वाली हूँ, प्याज हमारी बनके स्टार्ट हो गई है, ये मैंने उखाड़ दी थी, ये देख सकते हैं ये प्याज मैंने उखाड़ दी थी, और ये प्याज बिल्कुल तैयार हैं, और प्याज का बीज भी बनके तैयार है। और ये देसी बथुआ मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, इसमें से है ना दोस्तों, देसी बथुए की ये पहचान है, इसमें से खुशबू आती है और इस पर ऊपर फ्लावर्स नहीं आता है गर्मी के मौसम में। तो इस पेड़ को मैं अलग रखूँगी, देसी बथुए को। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और बैंगन की पौध बोई थी, अभी एक पौधा जमा है। अब यहाँ पे पानी डालना है थोड़ा सा, हल्का हल्का सा छिड़काव करके। एक गेंडोले का बीज मेरा यहाँ पर भी जम रहा है, इस पर बहुत अच्छा बड़ा फ्लावर्स आता है, और पौधा छोटा सा ही रहता है ये।